हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव यूनिक। तो जी, मैं आपकी दोस्त और होस्ट नाज़मीन आपके लिए लेकर आई हूँ आज रिव्यू और अनबॉक्सिंग जो RS इलेक्ट्रिकल एयर पंप है विथ रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। तो जी, ये है RS इलेक्ट्रिकल का एक्वेरियम AC/DC एयर पंप, इसके साथ विथ रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। 1 वॉट का पंप आपको मिल जाता है। तो जी, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। इसके अंदर पोर्टेबल अल्ट्रा साइलेंट ऑक्सीजन पंप मशीन है, जिसका नंबर है, मॉडल नंबर है RS313। तो ये काफ़ी अच्छा मशीन है। और जैसे आपके यहाँ पर अगर पावर सप्लाई का इशू है, पावर कट हो जाता है, तो इमरजेंसी में आप अपने एक्वेरियम में इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके एक्वेरियम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैटरी यूज़ नहीं होती है। ये जो है, ये रिचार्जेबल है। आप इसको चार्ज कर सकते हो अपने पावर बैंक के साथ और अपने मोबाइल चार्जर के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेस किया है और अमेज़ॉन पे इसका प्राइस मिला 1079 रुपीज़ का ये मुझे मिला है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, RS313 और RS314। दोनों भी है, जो एक RS313 जो 1 वॉट का पावर लेता है और RS314 जो है वो 2 वॉट का करंट लेता है। लेकिन दोनों का प्रेशर सेम है, वोल्टेज भी 5 वोल्ट का DC वोल्टेज है इसका मिल जाता है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर लिथियम बैटरी मिलती है आपको, 1200 मेगावाट की लिथियम बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको जब आप इसको फुल्ली कम्प्लीटली चार्ज कर लेते हो तो ये 8 आवर्स कम्प्लीट काम करता है, और इसका पंप जो है वो 14 से 17 घंटे तक काम कर सकता है। अगर आप इसको इंटीमेटेड वर्किंग में, आप इसको वर्किंग कंडीशन में इसको चलाते हो तो ये 23 से 26 घंटे तक ये काम कर सकता है। तो इसमें जो है एक चार्जर मिल जाता है, चार्जर की पिन आपको मिल जाती है, और साथ में ये, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और आप जब इसको फुल्ली चार्ज कर लेते हो तो इसका रेड लाइट ऑन होता है। तो जी, आप इसको जब कम्प्लीटली चार्ज कर लेते हो तो लिथियम की जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जब आपका पावर कट होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है। आपको इसमें कोई भी बटन दबाने की या स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट करता है। तो इसके अंदर हमें इसके साथ कुछ इसके टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे ये जो ब्लू कलर का, इसके वजह से आप एक एट अ टाइम टू स्टोन जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो, और 2 पंप इसमें मल्टी टास्किंग आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हो। और वो एक जो मिल जाता है उसके वजह से आप उसको, जो उसका पाइप आता है उसको आप वॉल से कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो है एयर स्टोन मिल जाता है। अगर आपके पास और एक एयर स्टोन है तो आप इसको डबल कनेक्ट करके, जो टूल्स मिले उसके साथ ही डबल कनेक्ट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो जो पावर है वो ज़्यादा इसमें आपको मिल जाता है। मतलब 2 साइड में आपका स्टोन रहेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली वायर लेनी है आपको, वायर लेकर इसके अंदर डालनी है, बस इतना ही आपको करना है और बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा काम नहीं। तो जिसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ मैं, कि जब हम इसको चार्ज पर रखते हैं तो इसका रेड लाइट ऑन होता है, दैट मीन्स इसकी चार्जिंग चल रही है। और जब इसकी चार्जिंग कम्प्लीटली फुल हो जाती है चार्जिंग, तो इसका रेड लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। मतलब ये कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, और अगर इसका रेड लाइट फ्लैश कर रहा है तो मतलब अभी इसका जो है, इसका चार्जिंग कम्प्लीट नहीं हुआ, इसका पावर इनफ नहीं है। तो आपको इसको कीप चार्जिंग, आपको इसको चार्ज पर डालना है, तो आप वो टाइम पर आप इसको चार्ज पर डालिए। देखिए, मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया है, अभी हम इसको एक्वेरियम में डालकर देखते हैं कितना चल रहा है ये। अगर आप एयर पंप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो नेगेटिव कंडीशन में चले जाता है, इसलिए आपने every 3 month में इसको चार्ज करना है, क्योंकि बैटरी जो लिथियम बैटरी वो ख़राब ना हो, इसलिए इसको ये डायरेक्टली आया है। और हम इसको अभी डायरेक्टली ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है और इसका फ्लो कैसा और वाटर फ्लो कैसा और ऑक्सीजन का फ्लो कैसा हमें इसमें समझ आ जाएगा। आप इसके पास, अगर आपके पास चार्जर ख़राब होता है तो आप इसको मोबाइल चार्जर और पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। और इंटरमीटर जो टाइम होता है वो 10 सेकंड के इंटरवल से ये वर्क करता है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं अभी।
इसके अंदर एक स्विच मिल जाता है, उसमें आपने ये जो कनेक्टर है इसको कनेक्ट करना है, इसके अंदर आपने उसको डालना है वाइल द टाइम ऑफ चार्जिंग। देखिए अभी मैंने इसको डाल दिया और काफ़ी अच्छा इसमें ये आ रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम होता है, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग प्रेस कर रहे हो तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है, और अगर आप सेकंड टाइम प्रेस कर रहे हो तो जो लाइट है वो फ्लैश होता है। तो लाइट फ्लैश हो रहा है मतलब वो इंटीमिडेट वर्किंग में काम कर रहा है, 10 मिनट का इंटीमिडेट वर्किंग हो जाता है। देखिए जैसे मैं देख रह सकते हो आप, रेड लाइट फ्लैश हो रहा है मतलब ये अभी चार्जिंग मोड में है। जब इसका ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है तो मतलब ये चार्ज पर चल रहा है, और थर्ड टाइम जब प्रेस करते हो तो ऑफ हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।